एक दयालु शिकारी चित्रपट, उसके बारे में क्वेश्चन आंसर वो सारे मैं आपको बाद में भेजूंगी। वो आपको लिखना है इवन शब्दार्थ जो भी है वो। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि जिस तरह मनुष्य में मनुष्य जैसा दयालु होता है उसी तरह पशु में भी दया का भाव रखा होता है। आज हम सीखेंगे पार्ट दो, एक जगत एक लोक। काव्य का नाम क्या है? एक जगत एक लोक। प्रकृति के तत्व हम सबके लिए हैं, हम सबको समानता से रहना है, बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना है। क्या है कि एक दूसरे के साथ किसी को हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सूरज का इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ तुम नहीं, ठीक है। लेकिन हम सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है और प्रकृति के जितने भी है प्रकृति के जो साधन वो सबका हम सबको मिलजुल कर उपयोग करना है। हम किसी को भी भेदभाव की तरह रखते नहीं, बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना, हमें सबके साथ एक दूसरे के साथ सबके साथ प्रेम भाव से रहना है। आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक सीमित हो रही है। इस काव्य का भाव राष्ट्रवाद की संकीर्णता से उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करता है। आज इतना समय आगे आ गया है, टेक्नोलॉजी का युग है, टेक्नोलॉजी के इतना सारा हम यूज कर सकते हैं, तो इसी तरह सिर्फ व्यक्ति हम खुद के लिए नहीं लेकिन सारे विश्व में जो लोग भी रहते हैं सबके बारे में सोचे और सबके साथ समानता से रहे, इस काव्य में बताया गया है। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान, यहाँ पे एक जगत यानी कि एक दुनिया और संसार दोनों सबके लिए एक ही है। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, और जो प्रकृति के तत्व है सूर्य चंद्र आसमान भूमि यानी कि जमीन वो सारे एक ही है और जो एक ही वो सबके लिए, ठीक है। मानव प्रकृति मानव ने मनुष्य ने जो बनाया है वो मनुष्य के लिए, लेकिन जो प्रकृति का है वो सबके लिए है। एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख की एक कहानी। क्या बोला गया है यहाँ पे? तेज प्रकाश, ठीक है। तो एक तेज एक हवा, हवा सबके लिए है, पानी सबके लिए है, और तेज यानी कि प्रकाश, ये जो सूर्य प्रकाश देता है वो सबके लिए। सूर्य ऐसा नहीं बोलता है कि मैं तुझे प्रकाश दूंगा और इसको नहीं दूंगा, ठीक है। प्रकृति के जो तत्व है वो कभी भेदभाव करते नहीं। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, हमारा जो शरीर है वो एक ही शरीर है, एक ही उसमें जीव है। एक बार वो जो जीव चला जाता है तो वो सिर्फ देह शरीर ही रह जाता है, उसमें कुछ रहता नहीं है। एक जगत एक लोक, सबका है मान। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, क्षमता और ममता की गीत तराने। घर घर में गूंज रहा निश्चित या मधुर गान, एक जगत एक लोक। क्या कहा कि निश्चित यानी कि हर रोज प्रतिदिन हम एक दूसरे के साथ आनंद से और ईश्वर की भी अच्छी तरह से ईश्वर ने हमें दिया है उसका हम सब लोग अच्छी तरह से उपयोग करें, उसका इस्तेमाल गलत ना करें और सबके साथ मिलजुल कर रहे, यहाँ पे बताया गया है। उन्नति के लिए विकास के लिए हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, सिर्फ हमारा नहीं लेकिन सबके बारे में सोच और विश्व बंधुत्व यानी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की बात की गई है। राष्ट्र में एक ही है यही कर्म हमारा, राष्ट्र में एक ही कर्म यानी कि एकता, सबके साथ एकता, हो हिंदू हो मुसलमान हो क्रिश्चियन हो पारसी जो भी सबके साथ हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, एक दूसरे के साथ मानवता से यानी कि वो गरीब है अमीर है ऐसा कुछ भी नहीं सोचते लेकिन सबके साथ मिलजुल कर रहना है। हिलमिल के रहना है विश्व शांति का नुकसान, एक जगत एक लोग। चीन विश्व शांति ज्ञान के विश्व में शांति बनी है, ये हमारा जीवन है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि सबके साथ जो प्रकृति ने हमें दिए सूर्य चंद्र जमीन पानी हवा वो सारे वो प्रकृति के तत्व है जो मनुष्य के लिए गया है और वो सबके साथ मिलजुल कर बात करना चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर एकता के साथ सभी के साथ रहना चाहिए।
इसके बाद इसके सम्राट थे, जग यानी जगत, दुनिया, लोक यानी संसार, मान आदर सम्मान, भूमि जमीन ग्रंथि, तेज प्रकाश, देह तन काया शरीर, पृथ्वी हृदय पृथ्वी, रक्त लहू खून, अस्थि हड्डी, हर्ष आनंद, प्राण जान जीव, तराना गीत गान, प्रगति उन्नति विकास, ऐक्य एकता, राग स्वर ताल और लय युक्त संगीत, गान यानी गीत, निशा यानी चिन्ह। तो इसके बाद जब स्वाध्याय चैप्टर वन की एक्सरसाइज हो जाए उसके बाद पार्ट टू के शब्दार्थ को हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। इसके बाद में एक जगह एक लोग ऐसा कवि ने क्यों कहा है, यानी कि एक जगह एक लोग तो ये दुनिया ये संसार एक ही है, इसीलिए कवि ने ऐसा कहा है। एक रक्त का आप समझाइए, तो यानी कि एक खून, किसी में जो खून यानी कि रक्त वो सबके शरीर में एक जैसा ही लगता है और एक ही रक्त का होता है, वो लाल कलर का ही होता है। कि ऐसा नहीं है कि मनुष्य का शरीर रक्त अलग कलर का हो, मनुष्य का अलग हो, ऐसा हो सकता नहीं। हमारा धर्म क्या होना चाहिए, हमारा धर्म इसे मानना कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और दूसरे के साथ अच्छी तरह से हमारा भाव होना चाहिए। हमारा जीवन सुख की कहानी है, ऐसा कभी नहीं क्यों कहा है कि सुख की जीवन में सुख है, जैसे कि सुबह है तो शाम होना निश्चित ही है, सूरज ढलता है तो चांद ढलता है तो वो सूरज सुबह होनी है, इस तरह सुख है तो दुख आना ही है। सूर्य सुख दुख रक्त अस्थि प्राण गाय गुंज हर्ष ऐक्य कर्म प्रगति लहराए विश्वसन। इसके बाद में शब्द से व्यंजन से शब्द बनाने हैं, क से कौवा कमल कागज कौशल, ग से गमला गज, ग से घर गरीब, च से चम्मच चमची, म से मगर महल। इसके बाद में शब्द सारणी यानी शब्द बनाने हैं। इसके बाद इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं, सूरज चंद्र जमीन हवा पानी। इसके बाद है विलोम शब्द, पास दूर मृत्यु जीवन शुभ अशुभ चेतन दास दूर पास जड़ अंधकार शुभ अशुभ। इसके बाद है उदाहरण क्लास समान क्लास वाले शब्द, आना जाना, पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है, तो ये जो बाबा दिया है उसकी काव्य पंक्ति कौन सी है, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की है कहानी। क्षमता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है, हर्ष भरे गाय राग सुहाने, क्षमता और ममता के गीत तरह। इसके बाद है समानार्थ शब्द, लोक पलोक मान सम्मान निशान चिन्ह हर हस्त अंबर आसमान। इसके बाद शब्द पर से वाक्य बनाने हैं। इसके बाद चित्रमान यानी कि चित्र को देखकर उसका वर्णन करना है। इसके बाद है लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई, प्रश्न पूछा गया है। शिक्षिका ने पूछा, वाह गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 11 पर है। किशन ने कहा, हाँ बेटी मैं तुम्हें खिलौने बनाना जरूर सिखाऊंगा, क्यों वहाँ कोई तकलीफ है, किसी भी भाषा को बोलते पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है, इस रुकावट का संकेत देने वाली लिपि चिन्हों को विराम चिन्ह कहा गया है, वो प्रश्न पूछने के लिए या वाक्य ढूंढना करने के लिए या आश्चर्यचकित होने के लिए। तो सबसे पहले है पूर्ण विराम, इस यानी कि फुल स्टॉप, इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर होता है, जैसे मोहन ने पत्र लिखा सीता स्कूल नहीं गई।
इसके बाद है अल्पविराम यानी कॉमा। अल्पविराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने या संकेत देने के लिए होता है। राम सीता और मोहन घर गए, रुको मत जाने दो। इसके बाद है प्रश्नवाचक, किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। क्या तुम विद्यालय गए थे, तुम क्या कर रहे हो। इसके बाद विस्मय यानी बोधक चिन्ह है। एक्सक्लेमेशन यानी आश्चर्य, द्रोणा, शुक्रु आदि भाव प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे अरे, बाप रे, वाह, शाबाश, आहा वगैरह। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। अरे, क्या हो गया। योजक, योजक चिन्ह का प्रयोग शाब्दिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। जैसे सुख दुख, माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश आदि। सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है। निर्देशक, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। जैसे मोहन ने अपने मित्रों राकेश, आकाश, अविना से रिपेयरिंग मांगी। ग्राहक, इस पुस्तक का क्या मूल्य है। दुकानदार, यह 25 रुपये की है। कोष्टक यानी किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है। अध्ययन यानी कि पढ़ना, हर क्षेत्र में लाभ देता है। विरुद्धार्थी, विलोम शब्द लिखिए। इसके बाद है अवतरण चिन्ह। इकरा, इकरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करते समय किया जाता है। जैसे समर्थन नंदी, पाठ के लेखक है शंकर सुल्तान पुरी। सुलेखा त्रिपाठी का उपनाम निराला है। इसके बाद यानी कि दुर्लभ, डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी कि अवतरण चिन्ह। किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दूर्य अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने कहा है कि प्रार्थना ही आत्मा की गुहार है। शास्त्री जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान। इसके बाद है वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाए। छी छी, तुमने यह क्या किया। वैशाली ने मयंक से कहा घर चल। वाह, मजा आ गया। अरे, तुम नहीं आए। तो विराम चिन्ह, जितने सारे विराम चिन्ह है इसके बारे में मैंने आपको बताया है। इसके बाद है पेज नंबर 13 पर जो चित्र दिया गया है उसमें आपको रंग भरना है। तो पाठ 2, यहाँ पे हमारा एक जगत एक लोक पूर्णा मुद्रा है। इसके शब्दार्थ आपको हिंदी की नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिखने हैं। इसके बाद सारी एक्सरसाइज यानी इस स्वाध्याय की जो क्वेश्चन आंसर है मैं जब आपको देखो भेजूंगी तब आपको हिंदी की नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिखना है। केवल आई स्टे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।